गुरुवार को पटना में आयोजित बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि वे निर्भीक होकर बिहार में उद्योग लगाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों को हर तरह का सहयोग और सुरक्षा राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को कोई भी तंग करेगा तो उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया की खबरों को पढ़कर बिहार को लेकर अपनी अवधारणा ना बनाए, तथ्यों को देखे। उन्होंने निवेशकों से बिहार के प्रति अवधारणा को बदलने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो इन्वेस्टर्स मीट है, तो इसके बारे में जो मुझको सूचना मिली तो मुझे खुशी हुई कि आज आप लोग आइएगा तो अपनी समस्याओं की चर्चा कीजिएगा, बताइएगा। और अच्छी बात है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्यों नहीं उसके समाधान का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ की बात हो रहा है और सब लोगों ने आपको बता दिया कि कितना ज़्यादा यहाँ तेजी हो रही है, आखिर उद्योग के क्षेत्र में भी। और जितनी तरह से नीतियों को बनाना है, हम सब लोग बराबर करते रहे हैं। और जो आप जानते हैं, जब कोरोना आया तो बाहर भी जो काम कर रहे थे वो आए और उन्होंने जो यहाँ अच्छा काम किया उसको भी जाकर के देखने का मौका मिला। तो एक एक तरह से जो अच्छा लगा कि बाहर भी लोग रह रहे थे, वो आ रहे थे। और 2020 में तो हम सब लोगों से अपील करते थे, यार रहने का इंतजाम सब कुछ कर रहे थे, बाहर भी जो लोग थे फंसे हुए थे उनको भी मदद कर रहे थे हम लोग, और आने में जो उनको खर्च हुआ उसमें भी हम लोगों ने मदद किया, सब कुछ किया। और सबको कहा कि भाई यहाँ रहने की कोशिश करिए और यहाँ पर जो कुछ भी आपको सहयोग की जरूरत है हम लोग सहयोग देने की कोशिश करेंगे। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति भी हम 2020 में बनाए और उसके अलावे भी उसमें और कई संशोधन किया गया और नए लोगों को उसमें और प्रमोट किया गया। तो हर तरह से, हर तरह की सुविधा। अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन तरह का हम लोगों ने काम करना शुरू किया, इसके बारे में आप सब लोगों को बताया गया है। वस्त्र और चमड़ा उद्योग में भी काफी बढ़ावा दिया गया है, हर तरह से काम किया गया है। और हम लोगों ने कह दिया है कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाएं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आजकल एक हमको पता चला कि इधर प्रचार हो रहा है कि इंडस्ट्री करने वालों को तरह तरह का दिक्कत है। आज ही हमने बात किया है अपने ऑफिस में, तो इन लोगों ने बताया, हमने कहा तुरंत जरा पता करवाइए तो कहां पर कौन दिक्कत कर रहा है। और तुरंत डीएम और एसपी को, अब सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों को भी हम सबको कहेंगे कि जहां कहीं भी एक एक जगह जाकर के देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी इंडस्ट्री वाले को कुछ उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है स्थानीय स्तर पर, उसको जान लीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करिए। ये सारे डीएम और एसपी मौजूद हैं यहां पर। आज ही हमने कहा कि अगर कहीं आज बात हो रही है, कुछ लोगों ने कहा ऐसी बात है, तो हमने तुरंत कहा कि भाई सारे लोगों को कहे हुए हैं, अगर जहां कहीं भी होगा सख्त कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। और आज आप लोग आ गए हैं, इतना ही हम आपको एश्योर करेंगे कि कोई भी आपको और जरूरत पड़ेगी, जब भी मिलना चाहें, जब भी इस तरह की बातचीत करके अपनी बातों को रखना चाहे, उसके लिए भी लोग बराबर मीटिंग करेंगे डिपार्टमेंट के लोग और एक एक तरह की चीज देखेंगे। और कई जगह आप जो काम कर रहे हैं उसको हम देखने के लिए भी चले जाएंगे, उन जगहों पर भी हम जाकर के देखेंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग पूरे तौर पर काम करिए, कोई प्रचार प्रसार के चक्कर में मत रहिएगा। हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे और आप लोगों को किसी तरह की हम लोग दिक्कत नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज यहाँ पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है और आप सब लोगों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। नॉलेज शेयरिंग जो है ये होते रहना चाहिए और नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ नॉलेज पार्टनर्स भी बनाने चाहिए। इस तरह का अगर नॉलेज पार्टनर्स अगर हम लोग बनाए कि भाई इस राज्य के लिए, बिहार स्टेट के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो हमको लगता है कि नॉलेज पार्टनर्स अगर बनाए और इस तरह का नॉलेज शेयरिंग अगर होता रहे तो एक माहौल बनेगा। और बिहार में तो इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। अब कई अधिकारी जो बिहार के हैं, दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि अपने बिहार में आकर के बिहार के लोगों की सेवा की जाए, ये माहौल बना। और लगातार हम लोग जो अपना विचारधारा है
जहाँ हम कह सकते हैं हम नौजवान हैं, युवा हैं, हम पहले दिल्ली में पढ़ते थे, बाहर खेलते थे, लेकिन लगता था कि भाई बिहार में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती। मेरा मानना है आफ्टर बीइंग अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, दूसरी बार हमको काम करने का मौका मिला और हमको लगता है कि ये अचीवेबल है। अब एज एन एग्जाम्पल आप बताइए कि भाई बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में जो काम कर रहा है वो हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास सब कुछ है, सारी चीजें, कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, आप हर चीज कर सकते हैं। यहाँ सारे डिपार्टमेंट के हमारे पदाधिकारी अधिकारी इंश्योर कर रहे हैं आप लोगों को भाई कि आप लोग आइए, इन्वेस्ट कीजिए। हमारा गवर्नमेंट सीरियस है, गंभीर है कि बिहार के लोगों की तरक्की हो। और एक बात समझ जाइए, हम सब लोग इसी भारत के रहने वाले हैं, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा मैन पावर इतना है, स्किल्ड लेबर से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोग देने का काम कर रहे हैं और हम लोग फ्लेक्सिबल भी हैं, गंभीरता के साथ फ्लेक्सिबल है। जहां अच्छा सुझाव आएगा, इनपुट आएगा, वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल योर सजेशंस। अब कहीं टीआरपी चाहिए किसी को जो है व्यूज चाहिए, तो इन लोगों का काम है, ठीक है, इन लोग अपना काम करते रहे, लेकिन भाई आप लोग भी तो बिहार के ही है ना। अगर इस तरह का भय का वातावरण बनाइएगा तो कहां से लोग आएगा। और कुछ लोग तो आज के बैठक के बाद तो और कलेजा पे उन लोगों के बाहर आया होगा, कुछ लोग और चिंतित होंगे, विचलित होंगे, सोचते हैं कि और जंगल राज को महाजंगल राज में कैसे बदला जाए। तो ये सब में आप लोग ध्यान मत दीजिए, हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं, आप लोगों को हम बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे यहाँ पदाधिकारी अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। फिर मौका मिलेगा, फिर हम लोग बात करेंगे और बेहतर ढंग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार। डीआईडी न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।